वेलकम टू दिस लेक्चर। पिछले लेक्चर में हमने जाना था भाषा क्या है, भाषा के अर्थ को समझा था, भाषा कितने प्रकार की होती है। लेकिन इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे भाषा के महत्व को, कि समाज में, मानव जीवन में भाषा क्या होती है। तो जैसा कि हमने पहले लेक्चर में जाना था कि भाषा क्या है, भाषा के महत्व को, तो भाषा के महत्व को हमने, इम्पोर्टेंस को, चार पार्ट्स में डिवाइड किया था। इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज इन ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन में भाषा के महत्व को। दूसरा, लैंग्वेज इज ह्यूमन स्पीच, भाषा मानव की भाषा है। लिविंग लैंग्वेज, जीवित भाषा, लैंग्वेज एंड सोसाइटी, भाषा और समाज। तो सबसे पहले जानते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज इन ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन में भाषा के महत्व को। बींग ए सोशल क्रीचर, सामाजिक प्राणी होने के कारण अ पर्सन हैज टू कम्युनिकेट विद अदर पर्सन ऑफ द सोसाइटी। एक व्यक्ति को समाज के दूसरे लोगों के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है, संवाद रखना पड़ता है, बोलचाल करनी, बोलचाल रखनी होती है। नॉट ओनली टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ, ना केवल अपने आप को व्यक्त करने के लिए, बट आल्सो टू लिसन टू द फीलिंग्स ऑफ अदर्स, बल्कि दूसरों की भावनाओं को सुनने के लिए भी हमें कम्युनिकेट करना पड़ता है। दिस इंटरेक्शन इज नेसेसरी फॉर सोशल लिविंग। यह है जो इंटरेक्शन है, यह सामाजिक जीवन के लिए आवश्यक है एंड इज फैसिलिटेटेड थ्रू लैंग्वेज, और इसको केवल भाषा के माध्यम से किया जाता है। पीपल डिवाइड ऑफ लैंग्वेज एबिलिटीज, लोग बचते यानी इग्नोर करते हैं भाषा की योग्यता को, भाषा के गुणों को। आर इमेंसली हैंडीकैप्ड इन सोशल लिविंग। अक्सर देखा जाता है कि सामाजिक जीवन में लोग जो भाषा के एबिलिटीज को इग्नोर करते हैं, बचते हैं, वो हैंडीकैप्ड के रूप में मानी जाती है, यानी उनकी भाषा स्ट्रॉन्गली वीक होती है, तो उनको हैंडीकैप्ड का नाम दिया गया है। आर कल्चर इज बेस्ड अपॉन लैंग्वेज, हमारी संस्कृति भी भाषा के ऊपर आधारित है। थ्रू लैंग्वेज वी गेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर सेल्व्स, भाषा के माध्यम से ही हम अपने आप को समझ पाते हैं एंड आर फेलो मैन और अपने साथियों को भी समझ पाते हैं। इट इज थ्रू लैंग्वेज, भाषा के जरिए डेट वी नो आर कल्चर, हम अपनी संस्कृति को जानते हैं एंड द कल्चर पैटर्न्स ऑफ अदर, और दूसरों की संस्कृति को भी हम इसी माध्यम से जान पाते हैं। अ लैंग्वेज इटसेल्फ इज एन एलिमेंट ऑफ द कल्चर ऑफ ए बैंड, भाषा अपने आप में एक तत्व है मनुष्य की संस्कृति का। इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रभावशाली यंत्र है बाई विच द मेंबर्स ऑफ ए सोसाइटी कम्युनिकेट, जिसके आधार पर समाज के लोग एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं। लैंग्वेज इज एन एसेंशियल प्री रिक्विजिट फॉर ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मनुष्य के विकास के लिए भाषा एक आवश्यक शर्त है। द चाइल्ड कम्स इन टू द वर्ल्ड हेल्पलेस, बच्चा संसार में असहाय रूप में आता है, यानी उसकी मदद करने वाला कोई नहीं होता। एंटायरली डिपेंडेंट ऑन पेरेंट, पूरी तरीके से माता पिता के ऊपर आधारित ही होता है। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन हिज इमोशनल डेवलपमेंट इज द अफेक्शन, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व है उसके भावात्मक विकास में वो लगाव है, स्नेह है, प्रेम है, डेट ही रिसीव फ्रॉम द पेरेंट, जिसे वह अपने माता पिता से प्राप्त करता है। एंड लैंग्वेज प्लेज दिस इम्पोर्टेंट रोल इन गिविंग अफेक्शन टू द चाइल्ड, और भाषा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है बच्चे को ये प्रेम देने में। वर्बल एंडयूमेंट कंटिन्यू एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ पेरेंट्स लव फॉर देयर चिल्ड्रन, माता पिता के प्रेम की अभिव्यक्ति अपने बच्चे के प्रति एक महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में रहती है, जो हमेशा कंटिन्यू रहती, लगातार जारी रहती है। इट इज अ मीन्स ऑफ सोशलाइजिंग द चाइल्ड, ये एक साधन है बच्चे को सामाजिक बनाने का। हु इन हिज टर्न ओन टर्न डिस्प्लेज अफेक्शन फॉर हिज फेलो क्रीचर थ्रू लैंग्वेज एंड अदर एक्शन, वे भाषा के माध्यम से और अपने कार्यों के आधार पर ही वे अपने साथी जितने भी क्रीचर्स होते हैं, तो दोस्त जो भी होते हैं, उनके प्रति वे अपने प्रेम को डिस्प्ले यानी प्रदर्शन कर पाते हैं। लैंग्वेज इज एसेंशियल टू गेन एक्सेस टू द एजुकेशनल डोर, हम शैक्षिक दरवाजों की बात करें, शैक्षिक दरवाजों पर पहुंचने के लिए भाषा एक आवश्यक है, विच हेल्प अस इन एस्टेब्लिशिंग कॉन्टेक्ट विद द एजुकेटेड मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी,
जो हमारी मदद करती है स्थापित करने में कांटेक्ट संबंधों को समाज के पढ़े लिखे लोगों के साथ, समाज के सच्चे सदस्यों के साथ। इट इज थ्रू लैंग्वेज, भाषा के माध्यम से, दैट एन एजुकेटेड पर्सन बिकम्स अवेयर ऑफ द लिटरेचर, आर्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ हिज ओन कंट्री एंड अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। शिक्षा के दरवाजे पे तो पहुंचते पते, साथ में भाषा के माध्यम से एक शिक्षित व्यक्ति साहित्य के प्रति, कला के प्रति, विज्ञान के प्रति, टेक्नोलॉजी यानी अपने देश की कला, संस्कृति, साहित्य के प्रति वो सचेत होता है, जानकारी लेता है, एंड अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड बल्कि दूसरे संसार के देशों की भी कला संस्कृति सबको जानता है। द हाइएस्ट फॉर्म्स ऑफ फिलोसफिकल थिंकिंग, रीजनिंग एंड फलसफाइंग द ओल्ड वंस हैव बीन द रिजल्ट ऑफ लर्निंग। अगर हम फिलोसफिकल विचारों की बात करें, तब की बात करें, फलसफिकल पुरानी जो जो चीजें मिथ्या चीजें हैं, मिथ्या है तो मिथ्या माना जाता है, गलत माना जाता है, हैव बीन द रिजल्ट ऑफ लैंग्वेज, वो भाषा का ही परिणाम है। द ओनली हाईली इवॉल्व फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, अगर देखा है तो कम्युनिकेशन की सबसे विकसित जो रूप है वो है भाषा ही है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, वास्तव में इट इज डिफिकल्ट इन इमेजिन मैन लाइफ विदाउट लैंग्वेज, मुश्किल है कि हम बिना भाषा के मनुष्य के जीवन की कल्पना करना। इट इज थ्रू दिस मीन्स, इसका मतलब है दैट वी इनहेरिट द कल्चर ऑफ पास्ट, टेक पार्ट इन द सिविलाइजेशन ऑफ द प्रेजेंट एंड मेक द सिविलाइजेशन ऑफ द फ्यूचर। हम पास्ट के जो हमारी अतीत की जो संस्कृति है जिसके हम उत्तराधिकारी हैं, उस संस्कृति को हम पार्ट, टेक पार्ट इन द सिविलाइजेशन ऑफ द, उस संस्कृति को हम प्रेजेंट की सभ्यता में, संस्कृति में हम लोग क्या करते हैं, साथ देते हैं एंड मेक द सिविलाइजेशन ऑफ द फ्यूचर, और भविष्य की सिविलाइजेशन बनाते हैं। यानी पास्ट में जो चीज गुजरी है, पास्ट में जो हमारी सभ्यता रही, जो संस्कृति रही है, उसी संस्कृति को देख करके हम प्रेजेंट की संस्कृति भी बनाते हैं, और बल्कि बहुत सारी नई चीजों के आधार पर वर्तमान की संस्कृति बनती है, और कुछ चीजें उसमें अतीत वाली इंक्लूड होती है। यानी भाषा के माध्यम से हम अतीत की चीजों को भी वर्तमान में शामिल करते हैं, और साथ में इन्हीं के साथ भविष्य में के लिए भी सभ्यता को तैयार करते हैं। इस तरीके से भविष्य भाषा हमें भविष्य वर्तमान सबको एक साथ लाने में मदद करती है। नंबर टू, लैंग्वेज इज ह्यूमन स्पीच, भाषा मानव की भाषा है। द साइंस ऑफ लैंग्वेज रिकॉग्नाइजेज एक्सप्रेशन एंड कम्युनिकेशन टू और फ्रॉम बाई मीन्स ऑफ स्पीच एंड हियरिंग। भाषा का विज्ञान पहचानता है अभिव्यक्ति को और संवाद को, जो भाषा और सुनकर यानी बोलकर और सुनकर जो की जाती है, यानी वो एक्सप्रेशन हम सुनकर और बोलकर जब कोई किसी चीज के एक्सप्रेशन करते हैं, अभिव्यक्ति करते हैं, वो साइंस का विज्ञान इसको पहचानता है। दिस मीन्स दैट दिस कम्युनिकेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन, फीलिंग्स एंड डिजायर शुड बी फ्रॉम मैन टू मैन, मनुष्य से मनुष्य के प्रति। हमें अपने भावों को, अपनी भावनाओं को, अपनी इच्छाओं की अभिव्यक्ति को कम्युनिकेट करना चाहिए, एंड दैट टू बाय मीन्स ऑफ स्पीच, और भाषा के माध्यम से एंड और सुनने के माध्यम से स्पीच देन इज लैंग्वेज, तभी वह जो भाषा है वो एक भाषा बन पाती है। किल्सन आल्सो कोलैबोरेट एंड किल्सन कहते भी है, मैन विल हैव टू अटर सम साउंड, मनुष्य को कोई ना कोई आवाज करनी होगी, दीज साउंड शुड बी कम्बाइंड इन सच अबाउट, और इन सभी आवाजों का जो व्यक्ति एक आवाज करेगा तो उन सभी आवाजों को हम एक सिस्टम में कंबाइंड जोड़ देते हैं, यानी बहुत उसका विकास करते हैं। इस तरीके से जब भी उसने कोई साउंड करी, कहीं किसी प्रकार की आवाज की, जब उस आवाज को हम एक नया एक सिस्टम में डाल देते हैं, तो वहीं पर वो एक नई भाषा उत्पन्न हो जाती है, विकसित हो जाती है, कन्वेंशन वो परंपरागत हो जाती है एंड रिकॉग्नाइज बाई कॉमन, और फिर धीरे धीरे कॉमन लोग उसको पहचान कर यूज करना शुरू करते हैं, तो वो कॉमन भाषा बन जाती है। दिस इज द सोशल एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज, इसी को हम भाषा का सामाजिक पहलू कहते हैं, कि किसी ने कुछ आवाज की, उस आवाज को जब धीरे धीरे हम एक सिस्टम में प्रयोग देते हैं, उसका इस्तेमाल करने लगते हैं, वो एक भाषा हमारी सामाजिक बन जाती है। नेक्स्ट इज लिविंग लैंग्वेज, जीवित भाषा। ए लिविंग लैंग्वेज इज वन दैट हैज डेवलप्ड थ्रू ए कंटिन्यूअस कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, इनकॉर्पोरेटिंग विद इन पोल्ड एक्सटर्नल एंड इंटरनल चेंजेस इन द लाइफ ऑफ मैन। एक सजीव भाषा वो भाषा है जो विकसित होती है निरंतर कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, विकास के साथ है, यानी धीरे धीरे उसका लगातार विकास होता चला जाता है, इनकॉर्पोरेट विद इन द फोल्ड एक्सटर्नल इंटरनल चेंज इन द लाइफ ऑफ मैन एंड सोसाइटी, मनुष्य के जीवन में और उसके समाज के जीवन में जितने भी हमारे बाहरी और इंटरनल चेंजेस होते हैं, आंतरिक परिवर्तन होते हैं, उन सभी परिवर्तनों को इस कंटिन्यूअस लैंग्वेज में डाला जाता है। यानी कोई भाषा लगातार विकसित होती चली जाती है, उसके अंदर मनुष्य और मनुष्य के समाज
वे जो जितने भी आंतरिक और बाहरी परिवर्तन होते हैं वो सब इस भाषा में समाहित हो जाते हैं। इट इज ऑन द टंग ऑफ लिविंग, जो जीवित व्यक्ति है उनकी भाषा पर, उनकी जीभ पर यह भाषा होती है। एंड इट इज देयर कल्चर, उनकी साहित्य में भी ये भाषा होती है। जस्ट एज द फ्लो ऑफ लाइफ फोर्स डेसेज अहेड, जैसे जैसे जीवन का प्रवाह आगे बढ़ता चला जाता है, टेकिंग नेचर नए नए आकार लेता है। सो आल्सो द फ्लेक्सिबल नेचर ऑफ लिविंग लैंग्वेज, उसी तरीके से लिविंग लैंग्वेज का जो फ्लेक्सिबल जो लचीला व्यवहार होता है, एक्सपेंड इट इसको, वो भी अपनी क्षेत्र को बढ़ाता है अकॉर्डिंग टू द वाइडनिंग ऑफ द जीवन के क्षेत्र। जैसे जैसे जीवन का क्षेत्र आगे बढ़ता चला जाता है, जीवन हम आगे बढ़ते चले वैसे वैसे भाषा का भी नेचर फ्लेक्सिबल होता है, वो भी आगे बढ़ती चली जाती है। इट कंटिन्यूस टू ग्रो रिच बाई न्यू वर्ड, जब इसमें नए शब्द जुड़ जाते हैं एंड देयर न्यू इंटरप्रिटेशन, और नई नई इंटरफियरेंस, यानी लोग अपने अपने विचारों को अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करते हैं, नए नए शब्द जाते हैं, तो वो भाषा ग्रो होने लगती है, यानी अमीर होने लगती है, वो बढ़ने लगती है, विस्तार होने लगता है। देन सीज टू बी एंड सॉरी लैंग्वेज डेट सीज टू बी कॉपरेटिंग विद द एक्टिव एस्पेक्ट्स ऑफ मैन लाइफ, जब मनुष्य की जीवन एक्टिव जो एस्पेक्ट जो पहलू है, जब वहां पे भाषा सीज माने रुक जाती है, यानी जब मनुष्य की जिंदगी में भाषा रुक जाए, यानी भाषा का इवॉल्वमेंट नहीं हो, तो भाषा के ज्यादा से उपयोग नहीं करते। लैंग्वेज देन सीज टू वर्नाकुलर, तो भाषा रुक जाती है, वर्नाकुलर बन जाती है, यानी लोग उसका उपयोग नहीं करते, वो सीमित हो जाती है, बिकम डेड हम कह सकते हैं, वो मृतक हो जाती है। लैटिन है, क्लासिकल अरेबिक है, क्लासिकल चाइनीज है, आर संस्कृत, ये भाषा पहले कभी यूज की हो जाती थी, लेकिन आज उनको पावर, ये कभी पहले पावरफुल भाषाएं होती थी, लोग उनको प्रयोग करते थे, बट नाउ आर डेड, लेकिन आज ये मृतक भाषा हो चुकी है, क्योंकि लोग अब ज्यादातर इन लैंग्वेज को नहीं पढ़ते और ना ही ज्यादा बोलते हैं, बिकॉज दे हैव सीज टू बी वर्नाकुलर, क्योंकि ये केवल एक सीमा तक ही सीमित होकर रह चुकी है, आगे अपने क्षेत्र को लेकर के आगे नहीं बढ़ पाई, इसलिए इनको डेड लैंग्वेज कहा जाता है। नेक्स्ट होता है लैंग्वेज एंड सोसाइटी, भाषा एवं समाज। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड करेक्टरिस्टिक फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज इज लैंग्वेज, मानव व्यवहार की जो मुख्य सबसे महत्वपूर्ण और सबसे विशेष जो रूप है वो भाषा है। द स्टेटमेंट इज करेक्ट, कथन बिल्कुल सत्य है, एंड ओनली ह्यूमन एक्शन केवल मानवीय कार्य, विच फाइंड एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, जो भाषा के तत्व के रूप में अपनी अभिव्यक्ति प्राप्त करते हैं, आर सिग्निफिकेंट फॉर अस, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण बन जाते हैं, यानी जब मनुष्य के एक्शन वो अपने भाषा के आधार पर जब वो व्यक्त होने लगते हैं तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। विद द वाइडिंग रेंज ऑफ ह्यूमन थॉट, जैसे जैसे मनुष्य के विचार विकसित होते चले जाते हैं, एक्शन उसके कार्य विकसित होते चले जाते हैं, ह्यूमन लैंग्वेज हैव कॉपरेटेड इन द एक्ट ऑफ एक्सप्रेशन एंड कम्युनिकेशन, तो उसी तरीके से मनुष्य की जो भाषा है वो सहयोग देना शुरू कर दी थी अभिव्यक्ति में और संवाद करने में। दैट इज व्हाई, इसीलिए इट इज करेक्ट टू से, ये कहा जाता है सही, लैंग्वेज इज एक्टिविटी, लैंग्वेज एक एक्टिविटी एक क्रिया है, पर्पसफुल एक्टिविटी एक ऐसी क्रिया जिसमें कोई उद्देश्य शामिल होता है, नहीं होता है। वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स आर प्योरली कन्वेंशन, अगर हम शब्द और उनके अर्थ की बात करें तो पूरी तरीके से वो पारंपरिक होते हैं। नो रीजन कैन जस्टिफाई वाई ए पर्टिकुलर नेम और वर्ड मीन्स ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और मीनिंग, कोई भी इस चीज को जस्टिफाई नहीं कर सकता कि एक विशेष नाम एक विशेष शब्द का मतलब केवल एक विशेष कर्म या एक विशेष एक विशेष अर्थ ही हो सकता है, उसकी कई अर्थ चीजें हो सकती है। वाई ए रेड इज रेड इन इंग्लिश, इंग्लिश में रेड को रेड कहते हैं, मूसक इन संस्कृत, संस्कृत में मूसक कहते हैं, एंड चूहा इन हिंदी और हिंदी में चूहा कहते हैं। आंसर टू दिस लाइज इन द टर्म कन्वेंशन, इसका उत्तर केवल एक ही चीज में पे दिखाई देता है, कन्वेंशन की परंपरा रीति। वी हैव एग्री टू कॉल इट, हमें सहमत होना पड़ेगा इसको कहने, रेड एंड अंडरस्टैंड इट, अगर हम इसको रेड कहते हैं तो इसको रेड में समझना पड़ेगा, अगर इसको चूहा कहते हैं तो इसको चूही में ही समझना पड़ेगा। तो ये व्यक्ति के एक्शंस, व्यक्ति के जहाँ रहता है उसके हिसाब से डिपेंड करते हैं कि वो व्यक्ति किस परंपरा को यूज करता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि थैंक यू वेरी मच।